तो मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और सुबह हो गई है, बहुत सुहानी सुबह हुई है। रामनगर में ही है अभी, आज निकलने का प्रोग्राम है यहाँ से दिल्ली के लिए, वही दिल्ली से गुड़गांव। फिर तो ट्रेन का मैंने पता किया था, मैंने इस बार टिकट बुक नहीं करी थी, मुझे लगा कि वैसे ही हो जाएगा, तो इस बार हो नहीं रहा। मैं स्टेशन गया तो उन्होंने बोल दिया कि जिनकी जिनकी रिजर्व है वही जाएंगे और जनरल लेके नहीं जा सकते, तो अब बस से जाना पड़ेगा। तो मैंने बस वहाँ डिपो में पता करा था, तो वहाँ से गुड़गांव के लिए डायरेक्ट बस है, अब गुड़गांव के लिए निकलेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट। और तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। चोरपानी की खूबसूरती, आम के बौर बहुत ज़्यादा हैं इस बार, इससे साफ साफ पता चलता है कि इस बार बहुत सारा आम आएगा, और गर्मियों में आम खाना हो तो चोरपानी आ जाओ। रामनगर में आम की अच्छी तादाद में होती है, पेड़ भरा पड़ा है, कितना ज़्यादा इस बार बौर आया है। तो गर्मियों में लीची और आम दो चीज़ यहाँ बहुत दबा के होती है। लोग उठ गए हैं और रंगोली चल रही है यहाँ पे। भावना पता नहीं क्या दिखा रही है ताई जी को, ब्लॉग दिखा रही है। अच्छा नाश्ता आ गया है, देखिए सामने बहुत जबरदस्त बनाया है। किसान बहुल आए हैं रामनगर से, ताऊ जी को भी दे दिया है। सभी लोग ब्रेकफास्ट में बिजी, देखेगी कौन अच्छा कर रहा है। होय 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 होय, इधर को बाय। तो निकल रहे हैं यहाँ से अब गुड़गांव के लिए, ठीक है ताई जी, फिर से कल किधर है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम फिर से। उसने अपने ना बूबू को भी नहीं ले जाने दे रही, ना अपनी अम्मा को ले जाने दे रही है, ना अपनी मम्मी को, किसी को नहीं ले जाने दे रही है। ये बूबू की नातरणी प्यारी प्यारी सब चाहिए इसे। चलो हम अम्मा को ले जाते हैं फिर अपने साथ, मेरी ताई जी, मैं अपनी अम्मा को ले जाता हूँ। ये देखो वो किसी को नहीं ले जाने देगी, किसी को नहीं ले जाने, सब यही है, ये बोल रही है हमको नहीं जाने नहीं देंगी, यही रहोगे। कितनी क्यूट बच्ची है अपनी, करिए अंदर साहब, नहीं जाने दूंगी। यहाँ से अब नवीन भाई के घर से, और वो लड़की ने गेट गेट रोक लिया है, बोला मैं नहीं जाने दूंगी किसी को भी, जाने नहीं देगी किसी को आज। अरे आप खा, यहीं रहो, देखो नवीन इमेज आल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नवीन के वहाँ से हमने ई रिक्शा ले लिया है और निकल रहे हैं बस स्टैंड के लिए, बस डिपो जाके वहाँ से पकड़ेंगे गुड़गांव के लिए बस, निकलते हैं आगे को। डिपो पर पहुँच गए बाबू हम, वहाँ पर पहले पूरा अंदर बस अड्डा था, पता नहीं क्या चेंजेस हो गए हैं इधर, काफ़ी सारी चेंजेस हो गए हैं, वो सारा खाली कर दिया, शायद बस अड्डा बन रहा है, तैयारी हो रही है यहाँ की, बहुत टाइम लग गया बस अड्डे को बनने में।
डिपो के अंदर हैं और यहाँ देखता हूँ बहुत धूल हो रही है क्योंकि अभी काम चल रहा है, यहाँ डिपो बन रहा है। तो यहाँ से गुड़गांव के लिए बस देखता हूँ कहाँ पर खड़ी है, सारी बसें खड़ी हुई हैं अभी, बहुत कम ही बस दिख रही है यार। पहले मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसें तादाद में होती थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा खाली हो गया, बस ही नहीं है यहाँ पे। बट चेंजेस काफ़ी हो गए हैं, दिखाता हूँ कैसे। इधर सारा पूरा ग्राउंड तैयार हो गया है और यहाँ पर मेरे ख्याल से अब अच्छा खासा बस डिपो बनेगा, जो काफ़ी सालों से ये हो रहा था कि रामनगर एक अच्छा सा डिपो होना चाहिए। और अंदर तो पहले से ही था अंदर की तरफ, और इधर ये अभी काम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कि जल्दी से ये डिपो तैयार हो गई बस यहाँ पे रामनगर डिपो से दिल्ली गुड़गांव के लिए। काफ़ी टाइम बाद बस सर्विस फिर चालू हो गई है और सभी लोग बैठ रहे हैं। ये सीट हमने भी ले ली यहाँ पे, पीछे तक लोग सब बैठ रहे हैं गुड़गांव जाने वाले। गाँव के लिए अपने इस बस में होगा रोडवेज की, ज़बरदस्त फुल एंजॉय किया जाएगा गुड़गांव के लिए, क्योंकि ट्रेन का हो नहीं पाया था, मैंने बताया था क्या क्या प्रॉब्लम आई थी करके। रामनगर की मार्केट है, अपना मुल्क अपना मुल्क ही होता है, अपना पहाड़ अपना एरिया, तो ये हमारा रामनगर का एरिया है, यहाँ के अलग ही मज़ा आता है और अलग ही अनुभव होता है कि मेरा इलाका है, हम पहाड़ी हैं। वाह, बाज़ार से एक टोपी ख़रीद ली है मैंने, पहाड़ी टोपी अपनी जो उत्तराखंड की शान है, तो ये रामनगर के बाज़ार से लेनी ज़रूरी थी, यहाँ आया था तो मैंने कहा ले लेता हूँ। अब लग रहा हूँ पूरा पहाड़ी बैठ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम गुड़गांव के लिए, पहाड़ी टोपी पहन ली, पहाड़ियों में पहाड़ आके पहाड़ी टोपी नहीं पहनी तो क्या पहना। वाह, गाड़ी रुकी है अभी कान्हा टूरिस्ट के पास और यहाँ पर भोजन का है, तो देखते हैं क्या क्या है। सारी उत्तराखंड परिवहन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कान्हा श्याम के नाम से टूरिस्ट ढाबा है, उन्होंने लंच यहाँ पर रख दिया है, अब लंच कर रहे हैं हम। रोटी लाए हैं मैंने छोले ले लिए बाहर से, सब्जी भी रखा हुआ था आसान है हमारे लिए, और चटनी रखी हुई थी, करते हैं अब। और बड़ा मज़ा आया लंच करने में, आशा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आशा ने इतना अच्छा खाना पैक करके भेजा हमारे लिए। तो अब बैठता हूँ उसके बाद गाड़ी में और निकलते हैं गुड़गांव के लिए। एक बार फिर आशा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लंच पैक करके दिया था आशा, धन्यवाद। पहुंच गए हैं गुड़गांव बस स्टैंड पे और पीछे हमारी बस है यहाँ पे अभी खड़ी हुई, भावना और मैं हैं, टाइम पे पहुंच गए हैं। जैसे सुबह हम 10:30 बजे निकले थे तो अभी 6:45 हो रहे हैं और यहाँ पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ से निकलते हैं घर को ऑटो करके, अड्डा है। पहुंच गए हैं घर में और अब थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं, थक गए हैं जर्नी से आके, भावना एरी इसके हाल तो कोई टाइट तो अब मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। इधर मम्मी ने डिनर की तैयारी कर दी है और सब्जी बना दी है, कद्दू की लौकी की, लौकी की सब्जी बनाई है और इधर आटा तैयार कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ दही लेने, सैलेड कट गया है तो, और फिर उसके बाद डिनर करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो दही लेके आता हूँ पहले मैं, तो दही और दूध लेके आ गया हूँ मैं और डिनर भी तैयार हो गया है यहाँ पे, तो अब डिनर करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आगे। डिनर की तैयारी हो गई है, डिनर करता हूँ मैं, तो डिनर हो गया है फाइनली और अब सोने की तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में और आई होप आपको ये ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा, और तो पसंद आया है तो ब्लॉग को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट देते रहिए आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ को। मैं बार बार कहता हूँ बैक टू पहाड़ आपका अपना चैनल है, और तो इसी के साथ जय देव भूमि जय उत्तराखंड, आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए
धन्यवाद।